छत्तीसगढ़ అడవిలో మళ్ళీ భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. చోటే బైదియా పోలీస్ స్టేషన్ లోని హపటోల అడవుల్లో ఎదురు కాల్పుల్లో 29 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. సంఘటనా స్థలం నుంచి 7 AK-47లు అలాగే 3 LMG ముక్కలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఓ ఇన్స్పెక్టర్ తో సహా 3 BSF జవాన్లకు గాయాలయ్యాయి. అయితే గాయపడిన సైనికుల పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా ఉంది. 25 లక్షల రివార్డుతో ఉన్న శంకర్రావు ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందారు. आज छोटे बिटिया से दक्षिण तरफ माड़ इलाका में DRG और BSF पार्टियों के साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ है. इसमें करीब दर्जन भर नक्सल की मारने की अभी खबर आ रही है, लेकिन अभी पार्टी कमांडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है. लेकिन इसमें 4 ऑटोमेटिक वेपन मिलने का पुष्टि कर रहे हैं और कई नक्सल मरने की इसमें संभावना है. पूरी पार्टी वापस आने के बाद आपको डिटेल्स बता. इस मुठभेड़ में शंकर, ललिता, माधवी इस तरह के बड़े काडर्स की उपस्थिति के बारे में हमारे पास सूचना थी, जिसके आधार पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और संभवतः इन लोगों की मृत्यु हुई है इस मुठभेड़ में. ये DVC रैंक के हैं, तो 25 लाख इनाम इनके ऊपर है. जो भी DVC रैंक के उसमें है उनके ऊपर 25 लाख का इनाम. इसमें 2 जवान घायल, 1 जवान घायल हुआ है DRG का और 1 इंस्पेक्टर BSF का, उनको पैर में गोली लगी है. इन दोनों को अभी एवैक्यूएशन करने की पूरी तैयारी चल रही है. हेलीकॉप्टर MI-17 चॉपर आ रही है. मौसम खराबी के कारण थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन इनके लिए फर्स्ट एड और जो उपचार संभव है वो सब किया जा रहा है और फिलहाल अभी खतरे से बाहर.